नमः सिद्धिभ्य वंदितु सर्व सिद्धि धूममल मनोवमंगदिं पते वोच्छामि समय पावडे मिणुमूसुत केवली भणिदम मिणुमूसुत केवली भणिदम मिणुमूसुत केवली भणिदम मैं वंदना करूने शिव को पधारे जो सिद्ध है अतुल अमेय सौख्य धारे भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत केवल ने कहा था जो भद्र बाहु श्रुत केवल ने कहा जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद भद्र बाहु श्रुत केवली भगवान की, श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, वंदनीय आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भाभी जी हो, दिन भर न जाने कितने लोगों से मिलते हो, कभी मन से मिलते हो, कभी वचन से बोल करके मिलते हो, तो कभी काय की क्रियाओं के माध्यम से मिलते हो। पर ये देखा गया है कि दुनिया के लोगों से आप मन से मिलते हो कितनी बार। अगर पूरे जीवन को देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, तो हम न जाने बचपन से, जब से जन्म लिया है, कितने लोगों से मिल चुके हैं। कभी आँखों से, कभी होठों से, और मन से मिल लेते हैं हम दुनिया के लोगों से। कभी कभी तो अनजान से भी यात्रा के दरमियान बातें कर लेते हैं, पता नहीं कोई पहचान हो जाए तो किसी वक्त मौके पर काम में आ जाए। कितने कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो लोग से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे त्रिलोकी नाथ प्रभु से हम कितनी बार मिले हैं, सोचना, अपने गिरिबान में झांक करके देखना, कितनी बार मिले हो प्रभु से तुम। प्रभु कहते हैं कि मुझे तेरी भाषा की जरूरत नहीं है, भावों से काम चल जाएगा। तेरे शब्दों की जरूरत नहीं है, तेरी श्रद्धा से काम चल जाएगा। हम दुनिया के लोगों के साथ में शब्द, भाषा, इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर को थकाते हैं, मन को थकाते हैं, और दुनिया के लोगों से मिल मिल करके शाम ढले, रात्रि घिरने तक हम थक जाते हैं, हमारा मस्तिष्क बोझिल हो जाता है। क्या कोई ऐसा है पवित्र आत्मा, है कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसे मिल करके हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, हमारा मन खिल खिल जाए, हृदय की कली चटक चटक करके खिल जाए? है कोई ऐसा व्यक्तित्व? हाँ है, जिन्हें देख करके, भावों का सेतु बना करके, श्रद्धा का सेतु बना करके, जिन्हें देखा जा सकता है अंतर के आंखों से। प्रभु मैं तुझे देख रहा हूं, पर मैं तुझे जितना देखूं उससे कई गुना तू मुझे देख सकता है, अनंत गुना तुझे में देखने की क्षमता है। मैं तुझे देखूं ना देखूं, लेकिन तू तो मुझे हर पल देखता है, हर पल जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तुझे नहीं देखता, अफसोस है, मैं तुम्हें देख नहीं पाया अभी तक, बहुत दुख है। मैं उन्हें देखता रहा जो अपने को भी नहीं देखते, जो अपने को भी नहीं जानते, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को नहीं जानते, अपने अंतर जगत को जानते नहीं, उसमें विचरण नहीं करते। मैं उन्हें देखता हूँ, दिन भर उन्हीं के काम करता हूँ, उन्हीं से वार्तालाप करता हूँ, उसी को जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रभु आपकी दृष्टि तो मेरे इस तन के पार है,
इस मन के भी पार है। तन को जानने वाले तो दुनिया के सारे लोग हैं, और तन में ही रमते हैं, तन से ही प्यार कर पाते हैं, क्योंकि तन को ही जान पाते हैं। किंतु मन पर ये ज्ञानी ऋषि मुनि जो मन को भी जानते हैं, लेकिन आप प्रभु पूर्ण ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, शुद्ध ज्ञान है आपके भीतर में। आप मेरे चेतन को भी जानते हैं, मेरी आत्मा को भी जानते हैं। तो जब आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है और मेरी दृष्टि आपके चरणों पर जाती है, श्रद्धा से जब मैं अपने भीतर की दृष्टि को आप तक पहुंचाता हूं स्वामी, तो मुझे लगता है कि आपकी दृष्टि ने मेरे आत्मा के अस्तित्व में बैठे हुए कर्मों को हिला दिया है, उनकी जड़ें उखाड़ दी हैं, और उस वक्त मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करता हूं, आनंद से भर जाता हूं। प्रभु क्या कहूं, परिजन देख ली देखाए जग सारा, हर जगह बंधन है कर्म के ना कोई सहारा, तो निरंजन निराकार है ऋषियों ने गाया तेरे द्वाराया, प्रभु तेरे द्वाराया। हूँ मैं तो भूला भटका था भगवन, तेरे द्वाराया तेरे द्वाराया। प्रभु कह रहे हैं तो मेरे द्वार तक भी ना आए कोई बात नहीं, वहीं से जहां बैठा है, अरे लेटा भी है बैठ नहीं सकता कोई बात नहीं। पवित्र पवित्र वाह सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्याय पंच नमस्कारम यह स्मरेत परमात्मानम सब बाह्याभ्यंतरी शुचि। वाह प्रभु आपने तो क्या अद्भुत नाद किया है, अद्भुत दिव्य ध्वनि में हमको समझा दिया है कि जहां बैठो वहीं से ही तो पुकार ले। पर मन से पुकारना, भावों से पुकारना, मैं तेरे समक्ष दिखूंगा। कबीर दास जी चुकते नहीं है और क्या कहते हैं, भक्ति से भर जाते हैं कबीर दास जी, और वे गाते हैं, कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं। जहां जहां विचरो तह परिकर्मा, जो कछु करूं सो सेवा। क्या बात कहते हैं, जह जह विचरो तह परिकर्मा, जो कछु करूं सो सेवा। हे प्रभु मैं जहां भी विचरण करता हूं मुझे तो यही लगता है कि मैं तेरी ही परिक्रमा लगा रहा हूं, क्योंकि तू सर्वत्र है, तेरा ज्ञान प्रभु व्याप्त है समग्र सृष्टि के अंदर। इसलिए मैं जहां भी विचरण करता हूं मुझे आप ही आप दिखाई देते, और जहां भगवान दिखाई देते वहां कोई पाप का काम किया नहीं जा सकता। आप लोग सोचिए कि जिस कलश से भगवान का अभिषेक करते हैं उस कलश को गलत कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, शरीर की शुद्धि के काम में उस लोटे का उस कलश का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे लोटा नहीं कहा जा सकता, उसे कलश ही कहा जाता है, उसको स्वयं के पानी पीने में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान का यह अभिषेक का कलश है। कलश सोचिएगा, जब भगवान का अभिषेक करने का कलश और सांसारिक कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो अहो आत्मन अहो चेतन, तूने जब अपने मन से प्रभु का स्मरण किया है तो क्या उस मन में कभी भी कोई दुर्विचार किया जा सकता है, किसी के बारे में कोई षड्यंत्र खेला जा सकता है, किसी को नीचे गिराने के लिए कोई दुर्विचार किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, जो बाहर है ये कलश तो बहुत बाहर की चीज है, उससे कोई गलत कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो अपने मन को कैसे दुर्विचारों में लगाया जा सकता है। अगर तूने एक पल के लिए भी मेरे चरणों में भक्ति की है, अथवा वितरागता की आनंद से भक्ति की है, अंतर मन से भक्ति की है, तो अपने मन में कभी दुर्विचार मत लाना,
कितना अच्छा लगता है प्रभु से वार्तालाप करना, घंटों बैठे रहो प्रभु से वार्तालाप करो। जो दुनिया सारे मिल करके नहीं दे सकती, वो एक परमात्मा के चरण में बैठ करके कुछ पल में ही, एक पल में भी हासिल किया जा सकता है। इसीलिए कहा कबीरदास जी ने आगे, एक घड़ी आधी घड़ी, अरे आधी से भी आधी से भी आधी घड़ी अगर प्रभु के चरणों में बैठ जाओ तो हरे कोटि अपराध, तुम्हारे करोड़ों अपराध दूर हो जाएंगे। ये मन से आपको ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, और जो मन से ग्लानि और पश्चाताप होता है वो व्यक्ति का जीवन रूपांतरण करने के लिए होता है। रे आत्मन, कितने घर बसाए, कितने घर के लोगों को अपना माना, कितने लोग को अपना माना, परिजन पुरजन रिश्ते नाते, लेकिन एक भी तेरे दुख में सहायक ना हो पाए। वो सहायता देना भी चाहे तो ना दे पाए। तेरे भीतर के शरीर में रोग घिर आए हैं, माँ हवा कर सकती है, पुत्र औषधि ला करके दे सकता है, पति वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे शब्दों में धैर्य बंधा सकता है, साहस दे सकता है, लेकिन भीतर में ही जब कमजोर हो गई है चेतना तो कौन तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा। इसीलिए मोह रूपी जो गुप्त रोग है उसकी औषध कर, और उसकी औषध सिर्फ एक ही शॉप पर मिलती है, वो है परमात्मा या कि सतगुरु की दुकान पर ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। अगर वो औषध तुझे मिल गई तो तेरा जो गुप्त रोग है जो किसी को दिखाई नहीं देता, बाहर के रोग डॉक्टर पकड़ सकते हैं, चिकित्सक को समझ में आ सकता है, वैद्य को भी समझ में आ सकता है, लेकिन भीतर का जो गुप्त रोग है वो किसी के भी पकड़ में नहीं आता, वो परमात्मा जानता है। या कि तू अगर गहराई में जाए तो अपने दुर्विचारों को जान सकता है, पकड़ सकता है, और यही दुर्विचार, यही तेरा मोह राग द्वेष, ये प्रणतियां तेरा भयंकर रोग है। इसको मिटाने के लिए अचूक औषधि है परमात्मा की भक्ति, समय सार ग्रंथ राज की अनुभूति, बस अनुभूति करता जा, समता रस को पीता जा, तेरे भीतर में वह मोह का रोग खत्म होता चला जाएगा। कहा है ना, मोह भाव अति गुप्त रोग है, भेद ज्ञान ही औषध है, देह रोग से भी भयकारी, भवों में देता दुख है, किंचित भी सुख नहीं भोग में, भोग रोग ही माना है, अतः राग पर पदार्थ में अब नहीं करूं यह ठाना है। अब मैंने ठान लिया है पर पदार्थों से भी राग नहीं करूंगा मोह, क्योंकि जब तक मैं मोह करता रहा तब तक मैं दुखी होता रहा, जिससे भी राग किया अब उसका दुख भी मेरा दुख हो गया। क्या मेरा दुख कम था जो मैंने और राग कर लिया और उनका भी दुख अपना मान लिया, और बड़े अच्छे से मोह भाव से राग रंग से कहा, देखो ये तुम्हारा दुख नहीं है, मेरा दुख है। हाँ, आप ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अरे कितना साथ दोगे तुम, उसके दुख को भोगने में साथ नहीं दे सकते। सच क्या है उसको समझने का प्रयास करो। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी जैसे महा आध्यात्मिक ऋषि क्या कहते हैं, चेतनात्मन जितना संबंध दुनिया का करता चला जाएगा उतना ही तेरा कर्मों का बंध बढ़ता चला जाएगा, जितना कर्मों का बंध बढ़ता चला जाएगा उतना ही तेरा दुख भी बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करूं भगवान, ऐसा वंदन कर कि बंधन तेरा टूट जाए, ऐसा वंदन कर कि तेरा बंधन टूट जाए। आचार्य भगवान के पास में बैठे और कहा, गुरुवर कोई आध्यात्मिक सूत्र दीजिए। तो आचार्य भगवान ने अभी अभी कुंडलपुर में एक बहुत प्यारा सा सूत्र दिया, देना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी अमानत हमें मिली और आप लोग भी काश इसे अपनी अमानत मान करके जिएंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा। गुरुदेव ने कहा था, इतनी गंभीरता से उनकी नाभि से उद्गार निकले और उन्होंने कहा, ऐसी अनुभूति करो, सुन रहे ना, ऐसी स्व की अनुभूति करो कि सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े।
क्या बात कही, ऐसी अनुभूति कर अपने भीतर में, इतना स्ट्रांग हो जा, तेरे भीतर में वो सारी चीजें हैं, वो सारा वैभव है तेरे भीतर में। अंदर की ओर झांक, अपने भीतर के अंदर, अपने ज्ञान की खिड़की से झांक अपने भीतर, तेरे भीतर में वो अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुणधाम है, अनंत वैभव का गोदाम है तेरे भीतर, उसी की अनुभूति कर चेतन। और जब उसकी अनुभूति हो जाएगी तो औरों की, पर की सहानुभूति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं गुरुदेव, मदद मद को देने वाली है, औरों की मदद लेना मद को देने वाली है, मदद मद द, इसीलिए औरों की मदद मत चाह। चल तो भीतर अंतर जगत की राह पर, तुझे औरों की कोई मदद की जरूरत ही नहीं है, तू स्वयं इतना पावरफुल है। अपनी अंतर सुषुप्त शक्तियों को जगाते हैं गुरुदेव, जगाते हैं, और क्या कहते हैं सुनिएगा, बड़े भावों से, बड़े प्यार से अपनी चेतना को सुनाइएगा। अरे सानुभूति के बिना जीवन यो ही व्यर्थ किया, इस राग द्वेष की वृत्ति में अपने को यूं बर्बाद किया, पले यूं ही बीत गए व्यर्थ, अरे खोए जीवन में आयुष्य के पल 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 रीत रहे। कितने पल बीत गए, अनंत काल बीत गया, लेकिन निज की अनुभूति नहीं की। चाहे आप गीता पढ़िए, चाहे आप समय सार पढ़िए, बात तो वहीं तक पहुंचाने की कही है कि चेतनात्मन, अगर तूने अपने आप को नहीं पाया, अपने आप को नहीं जाना, निज की अनुभूति नहीं की, तो और सारी दुनिया मिलकर के तुझे सहानुभूति दे कुछ काम की नहीं। दुनिया समझाती रहे, लेकिन जिसको समझना ही नहीं है, अंदर से समझन आ ही नहीं रही है, तो क्या काम का। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से समझेगा, तो अपने आप से समझेगा, नहीं तो किसी से समझने वाला नहीं है, निश्चित बात है। तो चलिएगा, आज हम असली पता ढूंढ ही लेते हैं। समय सार ग्रंथ राज की तीसरी गाथा चल रही है, और आचार्य भगवान कहते हैं कि एकत्वपना एकत्व, अब एकत्व भीतर की बात कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान का कहना है कि जो एकता के सूत्र में बंध कर नहीं जीता है, वो कभी एकत्व को प्राप्त नहीं होता है। जो बाहर में लड़ झगड़ करके आए, विसंवाद करके आए, और आंख बंद करके बैठ जाए, क्या दिखेगा उसको, वो ही दिखेंगे। अब कैसे लड़ूंगा, अब कौन सा सूत्र दूंगा, अब झगड़ने के लिए मुझे क्या बोलना है, यही बातें उसे सूझेगी। तो बाहर में एकता हो, प्यार प्रेम का वातावरण हो, सौहार्द का वातावरण हो, ऐसी आत्माओं को भीतर जाने में बहुत सुविधा होती है, सहज भाव से भीतर चले जाते हैं। जो औरों के लिए श्रेष्ठतम कार्य करते हैं, उनके हित का मार्ग दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भीतर भी हित का मार्ग अतिशीघ्र दिख जाता है, ये निश्चित बात है। इसीलिए सुखी रहना चाहते हो तो औरों को भी सुखी देखना चाहो, सारे जीव सुखी हो, हर व्यक्ति सुखी हो, और प्रातः काल उठते ही प्रथम पहली प्रेयर यही आप करो कि हे प्रभु, ये विश्व के अनंत अनंत प्राणी, अनंत जीव सब सुखी हैं, सब सुखी हो प्रभु, सब सुखी हो, सब आनंदमय जीवन जिए, जैसे मैं चाहता हूँ आनंदमय जीना, ऐसे सभी जीव आनंदमय जीवे, कोई दुखी ना हो, और मुझसे मेरे निमित्त से तो कोई भी दुखी ना हो प्रभु। आज तक जितने जीव भी मेरे निमित्त से दुखी हुए हो, उन सब से भी क्षमा याचना मन से करता हूँ प्रभु, मन से क्षमा याचना करता हूँ, और
मैं देख रहा हूं कि हर जीव सुखी हो रहे हैं, हर जीव अपने अनंत गुणों के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, आनंदमय है, आनंदमग्न है। फिर सारी सृष्टि को देखिएगा, सारी सृष्टि पुलकित है, आनंदमय है। और जब सारी सृष्टि पुलकित है तो मैं भी आनंद से भरा हुआ हूँ, सबका कल्याण हो फिर मेरा भी कल्याण हो, बस ये भावना भाते चले जाए। इतनी छोटी सी प्रेयर आपका पूरा दिन सुधार देगी। सुप्रभात मंगलमय है तो आपका दिन भी मंगलमय होगा। ये है जीवन जीने की कला। सवेरे उठते ही पता नहीं क्या क्या सोच करके उठे, क्या क्या सोच करके सोए थे, वही आपके अवचेतन मस्तिष्क में भरा हुआ था, रात भर वही चलता रहा। सवेरे उठे तो वही चीज दिखी आपको, भगवान नहीं दिखे। कल भरतेश वैभव में पढ़ रहे थे, भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से भारत देश नाम पड़ा, वो भरत चक्रवर्ती जब प्रातः काल उठते थे, सर्वप्रथम जिन शरण प्रभु शरण जयवंतु, ये सदा उनके मुख पर इनके रोम रोम में ये भाव आता था। जिसको प्रातःकाल उठते ही भगवान दिखाई देते हैं, वो 24 घंटे में और शेष समय में दिन भर में गुजरते हुए भी हर आत्मा में परमात्मा दिखता है। और जब परमात्मा है सभी, तो फिर परमात्मा स्वरूप है तो उनसे क्या लड़ना, उन्हें क्यों दुखी करना। तभी कबीरदास जी को कहना पड़ा, जहां जहां विचरूं तह परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, मैं जहां पर भी विचरण करता हूं मुझे प्रभु तू ही तू दिखाई देता है, बस और कुछ नहीं। तू ही है, तू ही है, तू ही है प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है प्रभु, तू ही है। तन में है, मन में है, तन में है, मन में है, चेतन में प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है प्रभु तू ही है, बस प्रभु तू ही तू है। वाह, दिन सवर गया, समय सार सुनना सार्थक हो गया, मेरे रोम रोम में महसूस होने लगा है कि प्रभु विराजमान है। और जो प्रभु विराजमान है, मंदिर में बैठ करके गलत काम नहीं करते, गलत विचार नहीं करते, किसी के बारे में गलत सोचते नहीं, गलत बोलते नहीं मंदिर में बैठ करके, तो जब मेरे हृदय में ही प्रभु विराजमान हो गए तो इस मंदिर में मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ, कैसे गलत क्रियाएं कर सकता हूँ। नहीं प्रभु नहीं, आज से मेरा हर पल मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। तू है ना प्रभु, आज तक तुझे विराजमान करके मैंने जीवन में कभी जिया ही नहीं, ये तो बहुत ही मंगल घड़ी अपूर्व घड़ी आई है। तो प्रभु कहते हैं कि तूने असली पता पाया ही कहाँ है, जिस दिन तू असली पता पा जाएगा तो आनंद से भर जाएगा। सुना था मैंने कि गुरु ध्यान में, ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे, और जब ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे तो शिष्य पहुंच गया, एक भक्त पहुंच गया और कहा, गुरु महाराज आप बहुत देर से ध्यान में लगे हुए थे, क्या कर रहे थे, आप किससे मिलने गए थे, इतने आनंद से तर बतर हो रहे थे, चेहरे पर एक अद्भुत ही उमंग थी, एक मुस्कान थी, ऐसी दिव्य मुस्कान दीपी थी आपके चेहरे पर, आप कहाँ थे, किससे मिल रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, मैं प्रभु से मिल रहा था, प्रभु से मिल रहा था। दिन भर लोगों से मिल लो, मन मेला होता है, थकान लगती है, और प्रभु से दो घड़ी मिल लेता हूँ तो सारी थकान मिट जाती है और दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, एक भीतर का प्रकाश मिलता है, मैं क्या हूं वो मुझे समझ में आता है। तो क्या आप मुझे भी मिला सकते हैं, जिससे आप मिलकर के आए? हाँ हाँ मिला सकता हूँ, जिनेंद्र भगवान की मूरत से मिला, क्या आनंद आया। क्या कहते हैं, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, प्रभु की मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है, प्रभु की मूरत में हमने देखा, स्वयं की मूरत झलक रही है।
मैं क्या हूँ वो दिखाई दे रहा है, दुनिया के चेहरों को देख करके दिखाई नहीं देता, मेला है ना, मेले दर्पण में दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु आपका चेहरा, आपकी मूरत तो शुद्ध दर्पण में, उस दर्पण में मुझे मेरा चेहरा, असली चेहरा दिखाई देता है। धन्य हुआ प्रभु मैं। तो गुरुवर आप मुझे उन परमात्मा से मिलाइए ना, जिनसे मिलकर के आप आए हैं, जिसमें आपने अपनी मूरत को देखा है, अपनी सूरत को, जिसकी मूरत में आपने अपनी सूरत को देखा है, मुझे भी दिखाइए ना गुरुवर। हाँ मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप अपना बता देंगे ताकि प्रभु को मैं बता सकूँ कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ दूंगा ना मैं अपना पता, तो लिख दीजिए जल्दी से स्लिप के ऊपर। हाँ मेरा पता श्रीनगर का गढ़वाल के राजा, और मेरे इतने पुत्र पत्नी का नाम ये है वो है, सब कुछ सारा पता लिख दिया। स्लिप हाथ में लेकर के गुरु ने कहा, लेकिन लेकिन क्या गुरुवर, आप जल्दी बताइए ना मुझे प्रभु से मिलना है। देखो इतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगे, वहाँ पर काफ़ी भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है, पता नहीं कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने वर्षों के बाद में आपका नंबर लग सकता है। तो फिर आपका यह पता सही रहेगा क्या? कई वर्षों के बाद में भी लग सकता है, क्योंकि कतार बहुत लंबी है वहां पर, भक्तों की काफी सैलाब उमड़ रहा है, इसीलिए आपका जो ये पता है वो सही है ना, इतने वर्षों के बाद में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ ये तो कुछ वर्षों के बाद भी बदल सकता है, सकता है क्या? बदल ही जाएगा ना, आप रहेंगे क्या इतने सालों तक? आपका ये हवेली, आपकी अट्टालिका, ये सब रहेगी यहाँ पर? हाँ तो ये नहीं रहेगा, तो दूसरा पता लिख दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूसरा पता लिख करके देता हूँ, पिता का नाम लिख देता हूँ, और जो हमारा पुश्तैनी हवेली थी उसका पता दे देता हूँ। फिर गुरु ने कहा, लेकिन पिताजी चले गए और पुश्तैनी मकान वो भी तो आखिर एक दिन तो ढह ही जाएगा ना, कितने वर्ष तक चलेगा, और आप भी चले गए, पुत्र का नाम लिख देता हूँ मैं, पुत्र के नाम से तो मिल सकता है ना मेरा पता? नहीं, लेकिन पुत्र भी तो चले जा सकते हैं, कोई भी तो स्थाई नहीं है, कोई स्थाई पता दीजिए आप। तो सोच में पड़ गए कौन सा स्थाई पता है। थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, सो परिजन बदलेंगे, परिवार बदल जाएगा, मीचते ही आंखों के, मीचते ही आंखों के टूट जाएंगे सारे सपने, यह गांव गली बदलेगी, घर द्वार बदल जाएगा, यह गांव गली बदलेगी, घर द्वार बदल जाएगा, शत्रु मित्र बदलेंगे, शत्रु मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जाएगा, अपने पराये बदलेंगे तो इतिहास भी बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। तो तुम्हारा सच्चा पता क्या है बताओ। राजा सोच में पड़ गया, जो शिष्य बनकर के आया था उसे समझ में नहीं आया, अब वो सोच रहा है। आप भी सोचिए और कल अपना असली पता ढूंढ करके लाइए, ताकि हम परमात्मा से आपको मिला सके, एकत्व स्वरूप आत्म तत्व से मिला सके, असली पता जो कभी भी मिटे ना, जो कभी भी छूटे ना, सदा शाश्वत स्थायी बना रहे। सोचिएगा 24 घंटे आपको इस कार्य के लिए दे रही हूँ, और कल सही सा असली सा शाश्वत पता लेकर के आइएगा। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, लीन रहो निज में अविरा, हो जाओ निर्मल निष्काम। ध्यान रखिएगा, पता किसी से पूछेगा नहीं, गुप्त होना चाहिए, अगर गुप्त रहोगे तो नीरज बन जाओगे। आज आप लोगों के बीच में आई है ना श्रीमती नीरज जी गुप्ता, बहुत अच्छे सद्विचारों की धनी है, और आज सच पूछो तो एक आत्मा के निमित्त से इतने सारे हजारों लोग धर्म का लाभ ले रहे हैं। तो गुप्त में अपना पता लेकर के आना, किसी से पूछ करके मत आइएगा। विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोह वश खोया ज्ञान, मना विकारी धर ज्ञान, मुझे धन चीज पर को निज का करता जान।
किया नहीं निज का कल्याण कुल परिणाम हो जय धन चिरा समय सारे का करके पान शोधा तम को करो प्रणाम चैतन्य चिरानंद धाम निश्चय से हूँ भगवान कहे गुरु तो स्वयं महान चैतन्य चिरानंद धाम श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जिन वाणी के ज्ञान ते सुझे लोक का लोक सो वाणी मस्तक थरो सदा ते तो जो हे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रेन जो तेरु शरणा कहे मां सो पावे सुख चैन।